आज शाम से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में गोविंदपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र साहू झूमरवाला ने प्रचार के आखिरी दिन से पहले रोड शो निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। झूमरवाला ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 150 से ज्यादा सीट जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। जनता भाजपा का बोरिया बिस्तर बांधकर उसको रवाना कर देगी। गोविंदपुरा विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रविंद्र साहू झूमरवाला ने रोड शो निकालकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान समर्थकों का भारी हुजूम उनके साथ मौजूद रहा। रविंद्र साहू झूमरवाला ने कहा कि उन्हें जगह जगह जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। भाजपा ने क्षेत्र में विकास का झूठा ढोल पीट कर लोगों को बेवकूफ बनाया है। अब भाजपा की पोल खुल चुकी है, लोग भाजपा का बोरिया बिस्तर बांधकर उसको रवाना कर देंगे। बड़ा दावा करते हुए झूमरवाला ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 150 से ज्यादा सीट जीतकर अपनी सरकार बनाएगी। हमारे साथ इस वक्त रविंद्र साहू झूमरवाला जो कि लगातार जनसंपर्क में है। आज पूरे गोविंदपुरा क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया है, कैसा समर्थन मिल रहा है आइए हम बात करते हैं। जी कैसा समर्थन मिल रहा है? आप देख रहे हैं सुबह से हमें 8-10 घंटे हो चुके हैं, जनता का अपार जन समर्थन मिल रहा है। जगह जगह मंच लगा के रोक के स्वागत किया जा रहा है। जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। जब जा रहे हैं जनता के बीच क्या कुछ खामियां निकलने के आ रही हैं? मैंने पहले भी आपको बताया था जो विकास यहाँ झूठे विकास के ढोल पीट के लोगों को बेवकूफ बनाया गया है उसकी पोल खुल चुकी है। इस बार बोरिया बिस्तर बांध के भाजपा को रवाना करेंगे। कल राहुल गांधी भी आए थे, क्या कहेंगे? राहुल जी हमारे देश के नेता हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्हें पूरे देश में गरीब जनता का दर्द जाना है। वो कल आए, उन्हें अपार जन समर्थन मिला है, पूरी सीटें भोपाल की जीत रहा हूँ, मध्य प्रदेश 150 सीटें जीत रहे हैं। भाजपा की जो विधायक रही हैं वो कह रही हैं कि जो आप बाहरी व्यक्ति हैं, बाहरी व्यक्ति आगे यहाँ पर बाहरी व्यक्ति का जो दावा कर रही हैं माननीय विधायक जी, मैं 15 साल से इस क्षेत्र में रहता हूँ, एक साल में मूल निवासी प्रमाण पत्र मिल जाता है, तो वो अब अपने हार के डर से घबरा गए। कोई भी बोल सकता है, उन्हें जो बोलना बोले, हम चुनाव जीतना है। इस बार उन्होंने जो जनता को छला उसका भांडा फूट चुका है। क्या किस तरीके का विकास करेंगे अगर चुन के आते हैं? 6 मुद्दे हैं, विकास, सड़क, बिजली, पानी, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, बेरोजगारी, सभी मुद्दे हैं। तो ये थे हमारे साथ झूमरवाला जी, रविंद्र साहू झूमरवाला, जिनका कहना है कि 6 मुद्दों को लेकर, वो विकास के 6 मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। कैमरामैन अमन के साथ शक्ति भारती, भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।